अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एयरड्रॉप वीडियो। गैस आज की जो वीडियो है ना उसको होने वाली है बहुत एक्साइटेड, एंड इसमें मैं आपको दो एयरड्रॉप बताने वाला हूँ। और ग्लेशियर तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है जिसके हम गैलेक्सी टास्क करते आए हैं, ठीक है। और NFT भी मिंट की थी हमने, तो बाकी न्यू हो ओल्ड यूज़र हो सारे कर सकते हैं आज का जो दोनों एयरड्रॉप है ना। एंड आपका आपको पता है इनिशिया का मैंने आपको गैलेक्सी कंपेन दिया था, ठीक है। यहाँ पर आओगे, सर्च करोगे, सर्च कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया ये प्रोजेक्ट, तो मैंने आपको दिया था गैलेक्सी कैंपेन, इनका लाइव हुआ था ऑलरेडी। 7.5 मिलियन का जो है फंड राइज कर चुके हैं ये लोग, तो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हैं दोनों, तो मैं आज दोनों पे हम बात कर लेंगे। एंड सबसे पहले आपको इनकी डिटेल दे दूँ, तो गाइस इनका 7 घंटे 8 घंटे पहले एक जो है टेस्टनेट लाइव हुआ है, और ये जो टेस्टनेट है पब्लिक टेस्टनेट है, तो काफ़ी अच्छा रिवार्ड आपको मिल सकता है। और एक हार्डन प्रोजेक्ट है, ज़्यादा वायरल नहीं है, ठीक है। तो गलती से भी मिस मत कर देना आज की वीडियो, तो भाई अभी दे रहा हूँ तो मतलब है कि अभी कर लो एंड होने से पहले। जैसे कि आपको पता है मैंने आपको पिछली वीडियो में एक एयरड्रॉप दिया था जो कि आज एंड हो गया, और आज काफ़ी लोगों ने ट्राई किया तो एरर आ रहा था, तो इसलिए जो काम जब दे रहा हूँ उसी टाइम कर लो। एंड फाइनली मैंने आपको पूरी डेली लिस्ट बना के दी है, पूरा 1 घंटा लगा मुझे बनाते हुए। तो काफ़ी प्रोजेक्ट टॉप के मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे दिए हैं जिसको मैं खुद डेली फार्म करता हूँ बाकायदगी से और मल्टीपल अकाउंट से, ठीक है। एंड टेलीग्राम के भी मैंने कुछ बोर्ड दिए हैं, येस कॉइन का आपको न्यू बोर्ड दिया है, बहुत कमाल का प्रोजेक्ट है। इस पर पूरी डिटेली मैं शॉर्ट वीडियो देने वाला हूँ, तो बस अभी आप करते रहो, ठीक है। देन दो प्रोजेक्ट जो होने वाले हैं 100% फ्री, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। एंड जो है ग्लेशियर नेटवर्क का जो है इस पर आपका हल्का फुल्का सा गैस फीस लगेगा, पर गैस फीस मैं आपको देने वाला हूँ टॉप 10 यूज़र को, मतलब जो टॉप 10 यूज़र आएंगे उनको मैं दूंगा। लेकिन भाई अब हर कोई मत आना, जो ज़रूरतमंद है, मतलब जिसके पास फंड नहीं है, जिसको अभी तक एयरड्रॉप नहीं मिला, जो मेहनत करता है और मेहनत करना चाहता है, वही आए मुझे अपना एड्रेस देगा एंड मैं उसको ओके भी जो हमारे गैस फीस लगेगा वो मैं दूंगा। लेकिन हमारे टेलीग्राम पर आकर आपको यहाँ पर कमेंट करना पड़ेगा, तो मैं आपको एड्रेस के साथ कमेंट कर देना और बता देना ओके भी चाहिए गैस फीस के लिए फॉर ग्लेशियर, तो मैं आपको गैस फीस दे दूंगा, ठीक है। आप एयरड्रॉप इजीली फार्म कर पाओगे। देन जो फर्स्ट एयरड्रॉप है वो तो 100% फ्री है, एंड जिसके पास नहीं है वो कहाँ से लेगा, ओके भी आपको ओके से मिल जाएगा। आधा डॉलर का आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो, लगेगा नहीं, लेकिन आप विड्रॉ आधे डॉलर का कर सकते हो। एंड काफ़ी कमाल के प्रोजेक्ट हैं दोनों, तो मिस गलती से भी नहीं करना। तो कल इतने वीडियो को स्टार्ट, सबसे पहले हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि भाई एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट कर लोगे जब आप डेट नहीं देख पाओगे फिर कहाँ से आपकी अर्निंग होगी। तो मस्ट टू मस्ट ज्वाइन कर लेना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दो लाइक। लेट्स गो, करते हैं स्टार्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट। सर तो मतलब ऑल यूज़र कर सकते हैं, मैंने आपको जैसे जैसे स्टार्टिंग में बताया था ऑल यूज़र के लिए न्यू हो ओल्ड हो। सबसे पहले आपको एक्सटेंशन का लिंक दूंगा, इस टाइप का आपका ओपन हो जाएगा। अगर मोबाइल पर कर रहे हो तो आप कीवी ब्राउज़र या माइसेस ब्राउज़र यूज़ करना, फॉर ऑल यूज़र है न्यू जो भी हो, ठीक है। देन आपको यहाँ पर आएगा ऐड टू क्रोम कर लेना, देन इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ओ माई गॉड, देखो इसने मेरा ख्याल से डेडिकेट कर लिया है मेरा जो है सेकंड वॉलेट, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट कर दिया, मैंने ऑलरेडी कर दिया फर्स्ट, तो शायद ये डेडिकेट ना कर ले तो सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ऐसा आपको ऑप्शन आएगा, आप देख लो आपने यहाँ क्या करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है व्यू अदर ऑप्शन पर क्लिक करोगे, क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करोगे, देन यहाँ पर अपना पासवर्ड सेलेक्ट करोगे ऊपर नीचे, ठीक है। पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद की फेरस देगा, की फेरस को कॉपी कर लेना एंड कहीं सेव कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई 6 पे कौन सा था, 7 पे कौन सा, तो आप देख के वो कॉपी करके लगा देना, आपका वॉलेट बन जाएगा। देन नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ फिर आपको बता दूंगा, तो ध्यान से देख लेना कोई एरर आप बाद में ना आए, ठीक है। सबसे पहले अगर आप मोबाइल में कर रहे हो या पीसी में कर रहे हो, या 3 डॉट पर क्लिक करोगे एंड अपनी एक्सटेंशन वाला ओपन करोगे, एंड एक्सटेंशन होगा यहाँ पे डेवलपर मोड ऑन कर लेना, ये आई थिंक एरर वो आ रहा था, ठीक है। एंड अपडेट कर लेना सारी एक्सटेंशन को ताकि प्रॉब्लम ना हो। देन इस टाइप का ऑप्शन आपके पास आएगा जब आप वॉलेट क्रिएट कर लोगे, यहाँ पर आएगा गेट टेस्ट टोकन, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट फॉसिट का भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो बस फॉसिट का लिंक दे दूंगा मैं आपको एंड आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, थोड़ी देर लोड लेगा ये, इसको लोड लेने देना इजी करके, ठीक है। यहाँ पे आपका एड्रेस ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा एंड यहाँ पे रिकैप्चा आएगा, रिकैप्चा को फिल करोगे ऐसे करके,
रिकैप फिल करोगे एंड यहाँ पे सबमिट करोगे, आपको विद इन सेकेंड आपको 30 इनके टोकन मिल जाएंगे, टेस्ट नेट के टोकन। देन इसको मैं कट कर दूंगा, यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने दोबारा इधर आना है एंड आपको टास्क का लिंक मिलेगा। टास्क लिंक पे मैं क्लिक करूँगा एंड इसको ओपन करूँगा। देन मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ यहाँ पे। देखो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा, एक चीज़ भी कट नहीं करूँगा, तो बस आप ध्यान से करना ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। लिंक दिया है मैंने, ठीक है, टास्क लिंक जो मैंने आपको दिया ये वाला, उसको ओपन करोगे देन इस टाइप का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, वॉलेट कनेक्ट करोगे और इसी के थ्रू आपने वॉलेट कनेक्ट कर लेना है जो आपने अभी वॉलेट बनाया है, ठीक है। देन इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास, आपने फॉसेट ले लिया, आपके पास मिंट NFT का आया, लेकिन मैं आपको ये एंड में बताऊँगा। देन आपने यहाँ पे आपको एक टास्क नजर आएगा यूज़र नेम, तो आपने इस पर क्लिक करना है। देन मैं आपको सारा सारा करके दिखा दूँगा एक एक, फिर आपने खुद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप का ओपन हो रहा है, जब तक नेक्स्ट टास्क जो है यहाँ पे है स्वैप का, तो अब आपने स्वैप क्या करना है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एक इनका टोकन को USDC, ETH और DAI, यानी तीनों में स्वैप करना है जब आपका टास्क होगा डन, ठीक है। सबसे पहला टास्क वाला यूज़र नेम वाला कर लेते हैं, तो जैसे मैं कोई भी यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी कोई कर लेना, ठीक है। देन यहाँ पर एंटर करोगे एंड यहाँ पर इस टाइप का आएगा, तो आपने रजिस्टर करना है, तो आप यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट करोगे एंड दोबारा से उसी वॉलेट के थ्रू कनेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, रजिस्टर करोगे एंड एक कंफर्मेशन आएगी आपके वॉलेट में, अनलॉक करोगे वॉलेट, देन तो सिंपल वॉलेट अनलॉक हो गया एंड यहाँ पे अप्रूव कर दोगे। भाई वीडियो को ध्यान से देखना, देखो ये एरर आया ना, ये एरर आपका आएगा, ठीक है। तो आप ट्राई करना गहरी रात में या बाद में, तो ईजीली हो जाएगा, मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, लेकिन ये हो जाएगा गवर्नमेंट। देन देखो भाई, अगर आपके पास एरर आए ना, तो आपने स्वैप वाले पे चले आना है पहले पहले एंड बस दुआ करूँ यहाँ स्वैप वाले पे एरर ना आए, ताकि मैं आपका एरर सॉल्व कर पाऊँ। एरर सॉल्व करने का एक सलूशन है मेरे पास, लेकिन सबसे पहले देखो आपने ऊपर इनका टोकन सेलेक्ट करना है, नीचे ई सेलेक्ट करना है एंड आपने यहाँ पे जो है तकरीबन आपने 8 टोकन या 5 टोकन कर लेना है, इससे कम नहीं करना, क्योंकि आगे बताता हूँ, कन्फर्म करूँगा, बस अब एरर ना आए, क्योंकि अगर यहाँ से हमारा एक टास्क हो गया तो हमारे सारे टास्क इजी हो जाएंगे। ओहो, ये बोला है पूल रीच मैक्स कैपेसिटी, तो यार ये एंड टाइम पे क्यों हो गया। देन देखो यार अभी आ रहा है एरर, लेकिन जब आपका यहाँ पे इनके टोकन में ईथ स्वैप हो जाएगा ना, देन आपने क्या करना है, आप यहाँ पे कंफर्म करोगे ना, अगर ईथ आपका स्वैप हो गया ना इजीली, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस टाइप का ऑप्शन आएगा, अगर आपके पास एरर आ रहा हो तो आपने यहाँ क्लिक करना है यहाँ, और यहाँ पे ईथ सेलेक्ट कर लेना है, देन आपके पास एरर नहीं आएगा। अभी एरर आ रहा है क्योंकि अब मैं ईथ में सेलेक्ट कर भी नहीं सकता, क्योंकि अभी ईथ स्वैप नहीं हुआ, मैंने दूसरे वाले वॉलेट से किया था तो प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हुआ था, मेरा ईथ स्वैप पहले हो गया था, तो मैं ईथ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया था यहाँ पर, तो फीस ईथ में लग रही थी यानी इनके टेस्ट नेट में ही, तो एरर नहीं आ रहा था। अब इनके टोकन ये INT वाला इनका जो है मैक्स कैपेसिटी रीच हो गई है, तो ये बाद में होगा, मैं आपको इजीली समझा देता हूँ आपने टास्क करने क्या क्या हैं और कैसे कैसे करना है। देखो सबसे पहले यूज़र नेम आपने मिंट करना है, रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका फर्स्ट टास्क डन। आपने स्वैप पर आना है, देन यहाँ पे आपने स्वैप करना है तीनों टोकन में यहाँ पर इनके टोकन से USDC में कर लिया, ठीक है, 5, ठीक है, देन यहाँ पर ईच में कर लिया 5 या 8, देन यहाँ पर टाया में कर लिया 5 या 8 एंड टक में, ज़रूरी तो नहीं है, नहीं तो दो एक दो कर लेना तो बेस्ट है, ठीक है। बस तीनों यूज़ होंगे, इन्होंने 3 बोले में ये टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन स्टेक इंट विद अ वैलिडेटर, यानी 3 वैलिडेटर में आपने जो है फंड जो है मतलब वैलिडेट करना है, ठीक है। तो इस पर ओपन करोगे ऐसा आएगा, आपने एक लिख देना है, यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, जैसे मैं एक लिखता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, ये दिखा रहा है ये वैलिडेटर है, एंड नेक्स्ट करोगे एंड नेक्स्ट कन्फर्म करोगे एंड दोबारा से कंफर्मेशन आएगी, वॉलेट अनलॉक करोगे, ठीक है, एंड कंफर्म करोगे, यहाँ पे अप्रूव करोगे, आपका टास्क हो जाएगा डन। अभी एरर आ रहा है, लेकिन एरर नहीं आएगा, अभी आधा घंटा पहले मैंने दूसरे वॉलेट से किया है, सब काम हो रहा था, ठीक है। देन ये टास्क आपका हो जाएगा, देन दोबारा होगा, दोबारा स्टेक पे क्लिक करोगे एंड दोबारा ऐसे करोगे, यहाँ पे कोई और वैलिडेटर आएगा, फिर कट कर दोगे, फिर नेक्स्ट आओगे, दोबारा इस पे क्लिक करोगे एंड थर्ड वैलिडेटर आएगा, आपका ये भी टास्क डन हो जाएगा, स्वैप वाला भी हो गया, यूज़र नेम भी आउट हो गया,
एंड यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे देखो 3 वैलिडेटर में लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। USDC कर दो एक में टाया कर दो, एक में इथीरियम कर दो, जैसे ये 3 ऑप्शन है, सबसे पहले इसमें करो, ठीक है। देन जो है दोबारा से इस पर आओ, इस पर क्लिक करो, देन ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अभी है नहीं तो मैं आपको करके दिखा नहीं सकता, एंड बस तीनों में करना है, ठीक है। एंड मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, इसको दोबारा से क्लिक करोगे USDC में करके, दोबारा से ऐसा इंटरफेस आएगा। देन यहाँ पे इथीरियम में कर दो, देन यहाँ पे टाया में कर दो, आपका ये टास्क हो जाएगा डन। एंड यहाँ पे लास्ट टास्क आपका होगा क्लेम स्टेकिंग रिवार्ड, तो इस पर क्लिक करोगे, कंफर्मेशन आएगी, क्लेम करोगे, ये टास्क डन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपके सबके पास रिफ्रेश करोगे मिंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये NFT आपने 6 की 6 मिंट करनी है, ठीक है। और इन्होंने पता नहीं क्यों रेफ़र कोड दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं रेफ़र कोड यूज़ नहीं हो रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना है कि रेफ़र करने पड़ेंगे ये वो। देखो भाई अभी टास्क हो गया, कितने गंदे लोग हैं। ऐसे ही आपकी NFT मिंट होगी, सारी आपके सारे टास्क हो जाएंगे डन। तो मैं आपको दिखाने के लिए एक बार फिर से स्वैप करके देख लेता हूँ, क्या पता ईजीली स्वैप हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लगती है कि होगा, ठीक है। मैं 5 करता हूँ इथीरियम में, ये देखो इथीरियम में, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कंफर्म करते हैं, एंड दोबारा से कंफर्मेशन आ रही है हमारे पास से। यहाँ पे करते हैं अप्रूव, अगर ये इथीरियम में हो जाए तो हमारा सारा मसला ही दूर है, हमारा एरर जो है सॉल्व हो जाएगा। देन यहाँ पे फाइनली हमारा टास्क हो गया है, ऐसे ही आपने टाइम में करना है, इसमें करना है। अब देखो अगर आपके पास अब एरर आए ना तो आपने क्या करना है, मैं आपको एक स्टेक करके दिखा देता हूँ। स्टेक वैलिडेटर में मैं क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे आएगा हमारे पास ऑप्शन स्टेक का। देखो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक एंड नेक्स्ट, एंड यहाँ पे देखो खुद ब खुद वैलिडेटर उठा लेता है, तो आप 3 बार आओगे तो 3 बार अलग अलग वैलिडेटर उठाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको एरर आए तो आपने क्या करना है, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ये ट्रिक कोई बताएगा नहीं, हमने अपने पास से निकाली है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे इथीरियम सेलेक्ट कर लेना, फीस आपकी इनके इथीरियम टेस्टनेट में जाएगी। अप्रूव करोगे, आपको गारंटी बता रहा हूँ एरर नहीं आएगा अगर आपने इथीरियम सेलेक्ट किया हुआ। यहाँ देखा हो गया, तो सारे टास्क इजीली हैं, अभी आपके सामने ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये सारी NFT आपने मिंट कर लेनी है, उसके बाद आपका काम हो गया डन। एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन है, उसकी अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा प्रॉपर, पहले मैं अपने अकाउंट से करके चेक करके सब कुछ आपको फिर बताऊंगा नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट है वो ग्लेशियर है और इनका अपना टोकन लॉन्च होने वाला है जिसका नाम GLS होगा, एवरी पॉइंट अर्न हो रहे हैं। तो सिंपल गैस फीस जो लगेगी वो मैं दूंगा 10 लोगों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे पर, ठीक है। एंड देखो सबसे पहले आओगे यहाँ पे, वॉलेट कनेक्ट करोगे, देन यहाँ पे ऐसा आएगा, आप लॉन्च ऐप पे सबसे पहले आपने क्लिक करना है, तो ये न्यू पेज ओपन हो जाएगा। देन आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट आपने क्या करना है, एंड यहाँ पे गैलेक्सी टास्क है ये भी कंप्लीट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड भाई एक अकाउंट से एक ही बंदे को मैं दूंगा, मतलब मल्टीपल वाले मत आना। देन इस टाइप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने क्रिएट अ न्यू नेम स्पेस पर क्लिक करना है, यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर लेना, मैं कर लेता हूँ, ये वाला मैंने किया था, ओके करोगे, कंफर्मेशन आएगी, पहले गैस फीस नहीं लगेगी आपको, ठीक है। कंफर्म करोगे, एंड पे पता नहीं क्यों ये नाम मैंने पहले से किया हुआ है, अगर पहले से होगा तो ऐसा आएगा, नहीं तो आपने सेलेक्ट कर लेना, देन डन, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास आएगा क्रिएट डेटा सेट, ठीक है। एंड यहाँ पे वही वाला नाम आएगा, एंड यहाँ पे आप कुछ भी लिख देते हो, मैंने से ये लिखा है, ओके करोगे, एंड दोबारा कंफर्मेशन आएगी, आपका काम हो जाएगा डन, यहाँ तक आपकी कोई गैस फीस नहीं जाएगी। देन नेक्स्ट आएगा मिंट एनएफटी पर क्लिक करोगे, न्यू पेज खुल जाएगा, एंड यहाँ पे आप मेन अकाउंट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करना है, यहाँ पे मिंट एनएफटी, यहाँ पे mint my NFT, यहाँ पे कलेक्शन का नाम मैं वही लिखूँगा, फिर यहाँ क्लिक करूँगा, देन फिर यहाँ पे लोड होगा, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देना इट्स my NFT, एंड यहाँ पे मिंट का ऑप्शन है। देन यहीं पे सिर्फ गैस फीस जाएगा, वो भी 1 से 2 रुपये का, ठीक है। यहाँ कन्फर्म करोगे एंड ये अभी मिंट के लिए एक कन्फर्मेशन आएगी मेरे वॉलेट में, ठीक है। इस टाइप की आपके पास कन्फर्मेशन आ रही है, देखो 1-2 रुपये की ऑनली आपकी फ़ीस जा रही है, यहाँ कन्फर्म करूँगा ये मिंट हो जाएगी, ठीक है डन। यहाँ पे दोबारा से आओगे एंड यहाँ पे आपको एक गैलेक्सी का ऑप्शन नज़र आएगा, तो गैलेक्सी सिंपल टास्क है, कर लेना फॉलो लाइक रिट्वीट वाले एंड कंप्लीट कर लेना, ये आपके पॉइंट ऐड होंगे कुछ देर बाद, इंस्टेंट नहीं होंगे, तो बस यहीं तक है। और एक आध फ्रेंड को रेफ़र कर देना या अपना ही अकाउंट प्रेफर कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आध तो कर ही लेना यार, सिविल से बचने के लिए, बाकी कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। देन बस यही है, मिस मत करना, कर लेना, लव यू ऑल।